बहुत डर लग रहा है कि भाई रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा। मतलब सो व्हाट्स अप गाइस, हेलो सारे, वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। तो अभी 1:30 बज रहे हैं और जो धड़कने हैं ना वो इतनी ज्यादा तेज हो रखी हैं क्योंकि 2 बजे हमारे मेन चैनल पे वीडियो डल रही है और भाई एक साल में वीडियो डल रही है। मेरे को ना बहुत डर लग रहा है कि भाई रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अब पता नहीं भाई, आप लोगों के भरोसे छोड़ी हुई है वीडियो। एंड प्लीज गाइज, वीडियो को प्यार देना और जितना शेयर कर सकते हो ना फ्रेंड्स के साथ वो करना। हाँ भाई, हाउ यू फीलिंग ब्रो? एक साल बाद आ रही है, कुछ पता ही नहीं। सपना आया था कि एंकर, सुबह सुबह का सपना था, 1 घंटे में 2.5 लाख भी हो गए थे। देखना पड़ेगा भाई, भाई सपना सच करा दो। वैसे इतने हो नहीं सकते, लेकिन देखते हैं गाइस आप लोग कितना सपोर्ट करते हो भाई। मतलब मैंने एक टारगेट बनाया हुआ 23 घंटे में, इतने आगे तो मैं खुश रहूंगा। मेरे को पता है रिस्पॉन्स आधेगा आधा होगा, पर ठीक है भाई। अब डेली ब्लॉग्स डाल के, और सॉरी डेली ब्लॉग्स कह रहा हूँ, बाकी डेली वीडियोस डाल के ना चैनल फिर रिकवर कर लेंगे। रमन जी, आप क्यों परेशान हो ब्रो? नींद आ रही है भाई, क्लब हाउस में पूरी रात बिता दी मैंने भाई। ये पता नहीं नया कीड़ा क्या चढ़ चुका, तो मैं क्लब हाउस का बहुत बढ़िया है भाई, एक बार आके देखो। और ये अभी ना दोनों भीग के आए थे, ये देखो इन्होंने मेरा तोलिया कहाँ टांग रखा है, रूम की क्या हालत कर दी है इन्होंने। इन्होंने अभी अभी कपड़े चेंज करे हैं इन्होंने। गाइस 20 मिनट बचे हैं और इतनी यार टेंशन हो रही है ना कि वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी। मतलब अब मैं क्या बोलूँ यार, अभी देखो सब लोग वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मैंने इनको बोला कि भाई वीडियो देख लो, ऐसा ना हो कोई गलती हो, क्योंकि हम ना यार पिछले 2 हफ्ते से वीडियो पे काम कर रहे हैं। और बस यार बाबा जी की कृपा रहे और वीडियो चल जाए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी ना, मतलब आपने क्या ही देखी होगी क्योंकि, तो यार गाइस बस आप एक छोटा सा काम कर दो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है इस व्लॉग में ना, प्लीज़ एक बार लिंक पे क्लिक कर दो। जिन जिनको नहीं पता मैं वीडियो बनाता हूँ, जो व्लॉग चैनल पे है तो जाकर वीडियो देख लो, और जिन जिन ने वीडियो नहीं भी देखी ना वो भी जाकर एक बार वीडियो देख लो, और जाके ना कमेंट और लाइक बटन जरूर दबा देना। वीडियो पे जाना है, लाइक और कमेंट जरूर करना गाइस, क्योंकि इंगेजमेंट बढ़ती है एंड तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। गाइस फाइनली वीडियो डल चुकी है और मेरे को नहीं लगा था कि इतना अच्छा रिस्पांस आ जाएगा। मतलब 1 घंटे में अराउंड 30,000 व्यूज हो चुके हैं, मतलब इट्स लाइक कि मतलब मजा आ गया। और मतलब दिख गया यार, जो रियल सपोर्टर्स होते हैं ना वो रियल सपोर्टर्स ही होते हैं। मतलब लोग ना मेरे को मेन चैनल की वीडियो में ही देखना पसंद करते हैं। बाकी अब कोशिश करूंगा जो व्लॉग्स हैं वो भी रेगुलर रहे। बाकी कोमल खुश हो? Yes, बहुत। And guys, सारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, हम देख रहे हैं आप लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हो। So we are waiting. भाई साहब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे 23 घंटे में 15,000-20,000 व्यू ना आए, अभी हम बात कर रहे थे और भाई साहब 1 घंटे में ही 30,000 व्यू आ गए, तो भाई मजा आ गया। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आके वीडियो देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक और कमेंट जरूर कर देना यार, तभी रेगुलर वीडियोस आएंगी फिर, क्योंकि फिर ना मोटिवेशन मिलती है। और अभी आपके साथ ना एक बात शेयर करते हैं, बाहर चल के जरा मेरे घर के पीछे 4,000 ग्राउंड में चलते हैं। 4,000 लाइक हो गए, 4,000 ये देख लो, सिस्टम चल रहा है। जब भी हम जिंदगी में कुछ पूरी शिद्दत से करने की कोशिश करते हैं ना, हमारे साथ कांड हो जाते हैं। अभी हम व्लॉग बनाने आए बाहर और क्या हुआ भाई? बैटरी नहीं मिली है। मतलब बैटरी पहले तो लोग आई, उसके बाद जब हम बैटरी ढूंढने गए हमारी बैटरी खो चुकी है। बाकी अभी ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे नए कंसेप्ट के लिए, मैंने कहा यार फटाफट से नया कंसेप्ट भी तैयार करते हैं। तो प्लीज मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना जो नेक्स्ट वीडियो आप मोटिवेशनल चाहते हो कि फनी चाहते हो कि स्कूल लाइफ पे चाहते हो। तू क्या कहता है? मोटिवेशनल। व्हाट डू यू से? और सेकंड प्रायोरिटी है मेरी स्कूल लाइफ। नहीं, मैं चाहती हूँ थोड़ा रोमांटिक। रोमांटिक? रोमांटिक ही हो जाएगी स्कूल लाइफ। मतलब हम, मतलब मैं चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं भाई, फनी मिक्स, मोटिवेशनल मिक्स और रोमांटिक मिक्स, सब कुछ मिक्स। रोमांटिक मतलब नेक्स्ट लेवल। इसमें इस वाली वीडियो में हमने एंड रोमांटिक कर दी थी, इस बार हम बीच में रोमांटिक करेंगे और लास्ट में फनी कर देंगे। बाकी यार बाकी ना बहुत सारे लोग भाई अभी तेरे लिए कमेंट मार रहे थे कि गाइज मतलब कि ये बिना टर्बन के कर रहा है। तो गाइज एज एन आर्टिस्ट अगर वो कोई रोल कर रहा है ना, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड गाइज आपसे एक और चीज मैंने शेयर करनी है, मैंने कहा अगर मैं आपसे बात कर लूं यार, बहुत दिनों से ना कमेंट आ रहे हैं कि साहिब भाई आपकी शादी होने वाली है, शादी होने वाली है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये तुम्हारे किस बंदे ने दिमाग में डाला कि मेरी शादी होने वाली है। मैं बता रहा हूँ, परमीश पाजी ने ना क्लिप डाली थी आज से 1 महीने पहले, है ना, 1 महीने पहले, साहिब नूर नू व्याह दिया लख लख मुबारक। वो मैं खुद शॉक हो गया पाजी की, मैंने वो देखी स्टोरी, मैंने व्याह दिया मुबारक, ये कैसे हो गया? अरे नूर ने बताया नहीं, व्याह फिक्स भी कर लिया, ये तो पता था कि किससे होना, लेकिन ये नहीं बता यार व्याह फिक्स भी हो गया। अरे एक्चुअली मैं आपको बता दूं सीन क्या हुआ, मैंने ना अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सेव कर रखा वाइफ के नाम से। अब क्या हुआ, मेरा उधर से कॉल आता वाइफ के नाम से, जैसे ही मैंने कॉल उठाया वो कह रहे हो तेरी शादी हो रखी है। मैंने कहा नहीं नहीं पाजी, मेरी अपना गर्लफ्रेंड है, वाइफ नहीं है। तब उन्होंने जाके वो स्टेटस डाला था। तो प्लीज ये कमेंट मत मारो कि शादी हो गई है, शादी हो गई। पहचान कोई बंदा कौन है? साहिब नूर नू व्याह दिया बहुत बहुत मुबारकां, कांग्रेचुलेशन भाई दा व्याह हो गया। थैंक यू पाजी। भैया शादी में भी टाइम है, 4-5 साल बाद करेंगे शादी और तब उनके साथ भी ब्लॉग्स बनाएंगे, है ना। एंड भैया भी आ चुके हैं, देख ली भैया वीडियो? हाँ भैया अभी देख। अच्छा देख रहे थे?
खुश हो रखा। जैसे भाई आता ना एटीट्यूड मतलब इस भाई का चेंज हो जाता है। क्यों सही तो है अच्छा यू जज्बात बदल गए भाई। बाकी ना मैं सोच रहा हूँ कि आज के ब्लॉग को छोटा रखें। ये वीडियो जो मेन बनाने का मकसद था वो ये था कि आपको एक बार अपडेट कर दूं कि जो मेन चैनल की वीडियो है वो आ चुकी है, तो जाके देख लो और थोड़ा सा ना प्यार बरसा दो। अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उस चैनल पे भी वीडियो बनाता हूँ, मैंने बनानी शुरू कर दिया, तो आप लोग भी जाके सब्सक्राइब दबा देना और थोड़ा सपोर्ट कर देना और प्यार दिखा देना। लव यू गाइस।